इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है संगठन तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड टू अचीव सम टास्क एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन कुछ कार्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त व्यक्तियों का एक समूह है जेम्स मोनी डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर ए टेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस जेम्स मुनी ने संगठन को एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव संघ का एक रूप के रूप में परिभाषित किया है एग्जाम्पल एनी कंपनी या एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इत्यादि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इच एम्प्लॉय सो दैट दे अकम्प्लीट्स द टास्क विथ इन द गिवन टाइम फ्रेम ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रत्येक कर्मचारी से सर्वश्रेष्ठ निकालने में मदद करता है ताकि वे दिए गए समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा कर सके द एम ऑफ फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर कंबाइंड इफर्ट्स ऑर्डर वे ऑफ वर्किंग एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल टीम वर्क या टीम वर्क में होगा हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लक्ष्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का एंड ऑर्डर वे टू वर्किंग ऑर्डर के हिसाब से कार्य होता रहेगा और कंबाइंड इफर्ट्स सबका एक साथ इफर्ट लगेगा कम्बाइंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स एक संगठन को मोटे तौर पर फॉलोइंग टाइप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन सभी टाइप्स के बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में इतना ही यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो या प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कमेंट में मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैटेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब तक लिए बाय बाय जय हिंद बंदे मातरम